ज्यादा बार आया नहीं मैं बोला उनको कि ये काम करो, मंगल बाबा जी को मैं फोन करता हूँ, ना बोलेंगे तो फिर देखता हूँ। अभी कितना बज गया? दो घंटा लेट है यार। डेढ़ घंटा रास्ता है से। हाँ वो बोले Thank you.
जिधर कैमरे का वो रहेगा ना, लगाओ ना आगे। जी सर, अपने नाम के साथ आप। हाँ जी सर, आपके नाम क्या है? विनय मिश्रा। सर, आज की जो रैली है वो आशाराम बापू के बारे में, तो आपको इसका विषय क्या है? आप ये इसका विषय है हमारा, हमने अपना एक रोष प्रकट किया है सरकार के आगे और लोगों के आगे कि हम जन समर्थन चाहते हैं, और हजारों लोग आज हमारी रैली के बीच जुड़े हुए हैं, और सबकी एक ही मांग है कि निष्पक्ष जांच होकर बापू जी को शीघ्र से शीघ्र रिहा करें, और इसके लिए रोष प्रकट करने के लिए हम लोग एक मौन यात्रा निकाले हैं जन संदेश देने के लिए कि पूज्य बापू जी निर्दोष हैं और उनको जल्द से जल्द सरकार निष्पक्ष जाँच करके उनको रिहा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दबाव होने की वजह से आशाराम जी बापू को छोड़ा नहीं जा रहा है और बार बार उनका बेल रिजेक्ट किया जा रहा है। इतने सालों से आशाराम बापू जेल के अंदर हैं, तो उसके बारे में इतने सालों में आपने कुछ उसके बारे में? हमने इतने सालों से और हजारों की समर्थकों के समर्थक जो भी लोग हैं बापू जी के, वो कंटिन्यू सरकार से मांग कर रहे हैं, कलेक्टरों को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, लेकिन मुझे जैसे मैंने बताया वैसे हम सबको लग रहा है और लाखों लोगों को लग रहा है देश में कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है जिसके वजह से बापू जी को जेल में रखा गया है और उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बेल जो है वो बार बार रिजेक्ट कर रहे, लगभग 16 बार बापू जी का बेल रिजेक्ट कर चुकी है। तो ये बेल बार बार रिजेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं वो भी जमानत पर छूट जाते हैं, फिर बापू जी का गुनाह कुछ भी नहीं है, एविडेंस में, FIR में, मेडिकल्स रिपोर्ट में कहीं भी रेप की कोई दुर्घटना या घटना है ही नहीं, लड़की ने कहीं भी रेप का जिक्र किया नहीं है, इसके बावजूद बापू जी को बेल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दबाव और ये षड्यंत्र बहुत भारी है। ये आपकी इतनी रैली है, कुल कितने लोग हैं, संख्या कितनी है? हजारों के ऊपर संख्या है, आप पीछे तक देख सकते हैं, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक संख्या है। ये मौन रैली की क्या साबित करना चाहती है? मौन रैली ये साबित करना चाहती है कि हम अपना रोष प्रकट करते हैं शांतिपूर्वक संवैधानिक ढंग से, हमें सरकार के किसी भी काम में या फिर जनता को कोई तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन हमारी रोष हमको प्रकट करते हुए जनता से हम समर्थन मांग रहे हैं कि जनता भी अपनी आवाज़ बुलंद करे हमारे साथ में बापू जी की रिहाई के लिए। ये आपकी रैली कहाँ से कहाँ तक जाने? ये हमारी रैली शिवाजी पार्क से शुरू हुई है, अभी ये दादर होते हुए ये वर्ली स्पोर्ट्स ग्राउंड आदर्श नगर में इसकी पूर्णा होती और वहाँ पर सभा होगी हमारी। इसके अलावा भी रैली और कहीं और चल रही है, आप लोगों का क्या प्लान है आगे का? आगे का हमारा ये प्लान है कि हम सरकार से हमने जो मांग रखी है निष्पक्ष जांच और बापू जी की जल्दी से जल्दी रिहाई, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरीके की रैली पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र राज्य में और इसके साथ साथ पूरे देश में संवैधानिक ढंग से हम सरकार को ये चीज़ अपना रोष प्रकट करेंगे और आम जो जनता है उसको भी अपने साथ लेंगे इस कार्य में। ये आगे तक आप रैली लेके जा रहे हैं, आज अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? इसके आगे अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो इसके बाद भी हम अन्य मौन रैली और अन्य सांसदों को ज्ञापन सौंप कर, मुख्यमंत्री या जो भी लोग हैं उनको ज्ञापन सौंप करके के निष्पक्ष जांच करके बापू जी की रिहाई करें, हमारा मेन मकसद वही है, इस रैली का भी मेन मकसद वही है। इस रैली में किस किस समुदाय के लोग शामिल हैं आपके साथ? इस रैली में सभी समुदाय के लोग शामिल हैं, आप देख सकते हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, लेकिन हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, बच्चे भी हैं, जिनकी जो मांग है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। किन किन संगठनों का समर्थन है आपको? इसमें सनातन संस्था से लेकर हिंदू राष्ट्र सेना, शिव प्रतिष्ठान, ऐसे तमाम संगठनों का साथ है और तमाम संगठनों के लोग आए हुए हैं, रैली में शामिल है और भी लोग आ रहे हैं जो रास्ते में शामिल हो जाएंगे अभी। इसके पहले आपको क्यों नहीं सुझाव हुआ ऐसे मौन रैली के लिए? इसके पहले मौन रैली के अलावा भी बहुत सारी रैलियां हुई जो नहीं सूझा, पर मौन रैली का निकालने का कारण ये है कि अब हम संवैधानिक ढंग से हम सरकार को कुछ बताना चाहते हैं और पूरे देश में, क्योंकि हमारे गुरुजी का एक सिद्धांत है, आशाराम जी बापू का एक सिद्धांत है कि वह वायलेंस में विश्वास नहीं करते हैं, कि जहाँ पर कोई पत्थरबाजी हो, नारेबाजी हो, चक्का जाम करें, इसलिए बापू जी का उस पर विश्वास नहीं है, पुलिस लाठीचार्ज करे, परेशानी हो, इस पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि संवैधानिक ढंग से पूरे देश के लोगों को जगाएंगे इस मामले में, और उसी कार्य को हम कर रहे हैं और उसी कार्य को हम आगे करेंगे। हाँ जी, मेरा नाम इंदु सहगल है,
मैं पिछले 25 सालों से बापू की साधक हूँ, लेकिन ये बापू के साथ जो अन्याय हो रहा है ये हम साधुओं को कबूल नहीं है बिल्कुल भी। उनके साथ उन्होंने न्याय मिलना चाहिए, हम संवैधानिक ढंग से कर रहे हैं, हमें कुछ भी गलत नहीं करना है, लेकिन सामने से हमारे बापू को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।